किसी ने क्या खूब कहा है, आत्मा निरंतर बहुत धीमी आवाज में आपसे कुछ कहना चाहती है, जिसे मौन रहकर सुनने से आप परम सुख प्राप्त कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी के जरिए हम जानेंगे कि मन की आवाज क्या होती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं मन की आवाज। एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और किसी भी तरह से उसे वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता तो कभी बाड़े तो कभी अनाज के ढेर में, पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वो इस काम में बच्चों की मदद लेगा और उसने आवाज लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो मेरी घड़ी कोई घड़ी को खोज देगा उसे मैं 100 रुपये इनाम में दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे जोर शोर से इस काम में लग गए। वे हर जगह की खाक छानने लगे, ऊपर नीचे बाहर आंगन में हर जगह, पर घंटों बीत जाने पर भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यही लग रहा था कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उनके पास आया और बोला, काका मुझे एक मौका और दीजिए, पर इस बार मैं ये काम अकेले ही करना चाहूंगा। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कर दिया। लड़का एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा और जब वह किसान के सहन कक्ष से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी देखकर प्रसन्न हो गया और अचरज से पूछा, बेटा कहाँ थी ये घड़ी, और जहां हम सभी असफल हो गए तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला? लड़का बोला, काका मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक 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 सुनाई दे गई, जिसे मैंने उसकी दिशा का अंदाजा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी ये घड़ी खोज निकाली। दोस्तों, जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति हमें जीवन की जरूरी चीजें समझने में मददगार होती है। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए जिसमें हम बिल्कुल अकेले हों, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद से बात कर सकें और अपने भीतर की आवाज को सुन सकें। तभी हम जीवन को और अच्छे ढंग से जी पाएंगे। मन की आवाज सुनने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।